डेली करेंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज 13 जून से जितने भी नई नई जानकारी बनी है या नए करेंट अफेयर है, उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में आज अध्ययन करेंगे। डेली करेंट अफेयर सीरीज है ये। आज 13 जून है और 13 जून से जितने भी करेंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे, उन सभी प्रश्नों को इसमें देखेंगे तथा उन प्रश्न से संबंधित मोस्ट IMP GK क्वेश्चन, जनरल नॉलेज या उससे जितने भी IMP क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, वायु चक्रवात तूफान भारत के किन राज्यों को प्रभावित किया है। हाल ही में जो है वायु चक्रवात जो है अरब सागर में प्रवेश किया है, जो कि भारतीय तटवर्ती इलाकों में भारी तूफान एवं बारिश हुई है। ये किस राज्यों में हुई है इसमें बताना है। इसमें पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चौथा ऑप्शन, इनमें से सभी। वायु चक्रवात तूफान जो है गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है गुजरात को, जबकि महाराष्ट्र एवं गोवा में भी इसके प्रभाव देखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरुण जेटली के स्थान पर राज्यसभा सदन का नेता किसे चुना गया है। 16वीं लोकसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अरुण जेटली को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, जिससे उसे राज्यसभा सदस्य का नेता चुना गया था। लेकिन 17वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी और ज़्यादा बहुमत के साथ जो है सरकार बनाई है, 303 सीटें प्राप्त हुई है, तो अरुण जेटली के स्थान पर राज्यसभा से किसे सदन का नेता चुना गया है ये बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है पीयूष गोयल, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी और तीसरा ऑप्शन है थावरचंद गहलोत, जबकि चौथा ऑप्शन है स्मृति ईरानी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तीसरा ऑप्शन, थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत को जो है राज्यसभा का नया सदन का नेता चुना गया है। तीसरा क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए उपनेता किसे नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है गिरिराज सिंह, दूसरा ऑप्शन है एस जयशंकर, तीसरा ऑप्शन है पीयूष गोयल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तीसरा ऑप्शन, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो कि भारत के रेल मंत्री हैं, जबकि एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर जो कि किसी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता 6 माह के अंदर लेनी होगी। यदि किसी सदन की सदस्यता 6 माह के अंदर नहीं लेती है तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। पीयूष गोयल जो कि चुनाव जीते नहीं हैं लोकसभा से, इसलिए इसे राज्यसभा से सदस्य बनाया गया है और राज्यसभा का उपनेता चुना गया है। चौथा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बहुमूल्य ब्रांड वाला कंपनी कौन सा है। पहला है एप्पल, दूसरा है गूगल, तीसरा है अमेजन, चौथा है पेपल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तीसरा ऑप्शन, अमेजन। अमेजन की स्थापना जो है अमेरिका में 1998 में की गई थी। यह एक आईटी कंपनी है, जो कि इसके CEO है जो बेजोस, इसके CEO है ये। IMP क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और ये कहाँ की कंपनी है, तो अमेरिका की कंपनी है और इसकी स्थापना 1996 में हुई थी और इसके CEO कौन है, तो जो बेजोस इसके CEO हैं। पांचवा क्वेश्चन है, 12 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है। पहला क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध दिवस, दूसरा ऑप्शन है श्रम कल्याण दिवस, तीसरा ऑप्शन है बाल अधिकार दिवस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पहला ऑप्शन, बाल श्रम निषेध दिवस। बाल श्रम को जागरूक करने के लिए जो है बाल श्रम निषेध, बाल श्रम को रोकने के लिए यह दिवस जो है 12 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
विश्व बाल संगठन द्वारा ये दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। छठा क्वेश्चन है, भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दूसरा ऑप्शन गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने जो है भारत के पहले डायनासोर म्यूजियम का उद्घाटन किया है। सातवां क्वेश्चन है, स्वदेशी विकसित मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान का परीक्षण, पहला परीक्षण जो कि पहली बार किया गया है, रक्षा एवं अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे शॉर्टकट में DRDO कहते हैं, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, या हैदराबाद में इसका लॉन्च पैड स्थित है। ये जो परीक्षण किया गया है किस स्थान पर किया गया है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है पोखरण राजस्थान, दूसरा बेंगलुरु कर्नाटक, तीसरा अबुल कलाम द्वीप उड़ीसा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तीसरा ऑप्शन अबुल कलाम द्वीप उड़ीसा, जिसे पिलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा की राजधानी है एक और इसके बारे में नई जानकारी बताते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के करेंट टाइम पर CM है नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल के नेता हैं। आठवां क्वेश्चन है, केरल के बाद हाल ही में भारत के किस दूसरे राज्य में जो है निपाह वायरस की जानकारी मिली है? केरल में जो है हाल ही में जो है निपाह वायरस से संक्रमित होने की जानकारी मिली है, लेकिन उसके बाद दूसरे और अन्य राज्यों में भी यह फैल रही है, इसकी जानकारी अन्य किस राज्यों में मिली है इसके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन है पांडिचेरी, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में कुछ IMP फैक्ट बताते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु पर करेंट टाइम पर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं KG पलानीसामी, तमिलनाडु के करेंट टाइम पर मुख्यमंत्री हैं। नवा क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाने वाले एथलीटों में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को टॉप 10 में शामिल किया गया है? फोर्ब्स पत्रिका जो कि अमेरिका की एक पत्रिका है उसके द्वारा जो है सबसे ज़्यादा कमाने वाले एथलीटों की सूची जारी की गई है, जिसमें भारत से केवल एक खिलाड़ी को जो है टॉप 100 में शामिल किया गया है। इसका पहला ऑप्शन है MS धोनी, दूसरा ऑप्शन है विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन है सुनील छेत्री और चौथा ऑप्शन है PV सिंधु। ये चारों ऑप्शन जो है खिलाड़ी है, इन खिलाड़ियों का जो है खेल क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर हैं और विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, जबकि सुनील छेत्री जो है भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। PV सिंधु एक टेनिस खिलाड़ी है, सॉरी बैडमिंटन खिलाड़ी है PV सिंधु। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दूसरा ऑप्शन विराट कोहली। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में जो है लियोनेल मेसी पहले स्थान पर है। दसवां क्वेश्चन है, वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन द्वारा जारी टेनिस रैंकिंग के अनुसार पहले स्थान पर किस खिलाड़ी ने स्थान बनाई है? जिसमें पहला ऑप्शन है एस्ले बाल्टी, दूसरा ऑप्शन है नाओमी ओसाका, तीसरा ऑप्शन है माकेर्ता ओंड्रूसोवा और चौथा ऑप्शन है सानिया मिर्जा। ये चारों खिलाड़ी जो है टेनिस खिलाड़ी हैं। इसके बारे में कुछ विशेष IMP क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। एस्ली बाल्टी जो कि अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी हैं, लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही में आयोजित फ्रांस पेरिस में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। नाओमी ओसाका जो है जापान के लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं और माकेर्ता ओंड्रूसोवा को जो है एस्ले बाल्टी ने हराकर फ्रेंच ओपन जीता है। इसलिए ये चारों ऑप्शन जो है IMP फैक्ट है, किससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सानिया मिर्जा जो कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, इस दृष्टि से ये भी IMP क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है
दूसरा ऑप्शन नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो कि जापान के लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं, इस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि एस्ली बार्टे को जो है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पुरुष टेनिस एसोसिएशन रैंकिंग में जो है पहले स्थान पर है नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के लॉन टेनिस खिलाड़ी है, वो पहले स्थान हासिल किए हैं। हमने देखा करंट अफेयर से संबंधित मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन के बारे में। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और डेली करंट अफेयर की सीरीज का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में स्थित बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, तथा डेली इसी तरह के और वीडियो का नोटिफिकेशन और जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।